मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुशबास होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद बाहर जा रही हूँ। सिचुएशन ही ऐसी थी कि मन ही नहीं हो रहा था बाहर जाने के लिए, पर आज जो मेरी फ्रेंड है उसके पापा का रिटायरमेंट है और 2 दिन के बाद फिर वो गाँव चली जाएगी, तो फिर हम लोग पता नहीं कब मिलने वाले हैं। तो वो मुझे बोली, चल फिर जाते हैं कहीं पर घूम के आते हैं। तो हम लोग आज जाने वाले हैं टिकरपड़ा। तो मैं सोच रही हूँ मेरी मम्मी को भी लेके मम्मी को भी लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी भी घर पे रह रहे के उसको भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन आती रहती है। तो मैं सोची कि उसे भी लेके जाती हूँ। तो हम उसके पेरेंट्स और मेरी मम्मी, तो हम लोग जाने वाले हैं। टिकरपड़ा जो है, मैं बचपन पे गई थी, मेरे पापा का पिकनिक था, पापा के डिपार्टमेंट में पिकनिक था, तो मैं बचपन में गई थी। तो अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है, ज़्यादा याद नहीं है। तो पापा को तो मिस कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ, जब तक पेरेंट्स हैं उनकी कदर करो, उनको उनको अच्छे से संभालो। देखो, उन लोग आपके सपने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, पर आप उनके सपना पूरा करने के लिए शायद आप लोगों को मौका मिले ना मिले, इसलिए उनकी कदर करो अच्छे से। मेरे पापा को लेके मेरा भी काफ़ी सारा सपना था जो कि मैं पूरा नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कभी कभी ना बहुत सैड फील होती है। तो क्या बताऊँ आप लोगों को, अपनी पेरेंट्स को अच्छे से संभालो। लाइफ का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए, कुछ भरोसा भी नहीं है। मुझे तो कभी मैं सोची नहीं थी ऐसा होगा करके। खैर, टिकरपड़ा ना मैं बचपन में गई थी, वहाँ पे ना बचपन में मैं बहुत सारे क्रोकोडाइल, वहाँ पे याद है कि वहाँ पे काफ़ी सारे क्रोकोडाइल वहाँ पे होते हैं करके, वो मुझे याद है। पर अभी क्रोकोडाइल है कि नहीं वहाँ पे जाके दिखते हैं कि नहीं, तो अभी चलो मैं जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, फ्रेश होके रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहना। तो फाइनली फ्रेंड, मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो। एंड मेरी मम्मी भी रेडी हो चुकी है, बस अभी मेरी फ्रेंड की वेटिंग की है। फ्रेंड आई नहीं है, 10 बजे बोली थी, 10:30 बज चुकी है, वो आएगी, फिर हम लोग निकलने वाले हैं। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। सो फाइनली फ्रेंड, हम लोग घर से निकल चुके हैं। एंड देखो, रंजीता भी वहाँ पे ड्राइविंग कर रही है एंड मम्मी यहाँ पे बीच में बैठी है, उस तरफ रंजीता की मम्मी बैठी है और सामने रंजीता के पापा बैठे हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग को 1 hour 30 minutes या फिर 2 hour लगने वाला है पहुँचने के लिए, तो मेरे ब्लॉग में बने रहना। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे रुके हैं अनगुल में, यहाँ पे फ्लावर मिलता है, यहाँ पे जगन्नाथ का मंदिर है तो पीछे के साइड में है, तो यहाँ पे फ्लावर मिलता है। तो अंकल वहाँ पे गए हैं फ्लावर लाने के लिए, तो हम लोग अभी यहाँ पे रुके, स्टे किए हैं, क्योंकि अभी फ्लावर ले रहे हैं। रंजीता का किसका एक बर्थडे है, वो भी आ रही है, उनके फैमिली दूसरे गाड़ी में जा रहे हैं, तो इसके वजह से बर्थडे, उसका और कौन सा दिन था, पर हम लोग आज सेलिब्रेट करने वाले हैं उसकी बर्थडे वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बाहर आ गई थोड़ा दिखाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को। आपको एक बार मिलाई थी ना इसके साथ एक ब्लॉग में। चलो फिर चलते हैं, मेरे ब्लॉग में बने रहना। कितना किलोमीटर है यहाँ से?
कल देखो लिट्टू। वही तो पीछे दिखो। अच्छा आ गया फिर चूहा ने वापस दे दिया। वापस दिया। कहीं पे भी ये लोग पिकनिक बना लेते हैं। बाप रे तोड़े देखो पिकनिक। बाप रे मत कह जो दे और वहां यहाँ पे क्या टिकट पड़ा जाने के लिए टिकट है। हाँ, हाँ, हाँ। कितना ले रहे हैं तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे टिकट के लिए रुके हैं। यहाँ पे जो पर पर्सन है 40 है तो टिकट के लिए रुके हैं। टिकट करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। हम लोग को और 45 मिनट लगने वाला है पहुँचने के लिए। एंड सुबह मैं हेयर वॉश की थी, मैं गाड़ी के साइड में बैठी हूँ, वहाँ पे धूप आ रही है विंडो में, पर होने से भी अभी तक मेरा जो हेयर है अभी तक ड्राई नहीं हुआ है अच्छे से विंटर के वजह से। पर धूप हो रही है पर होने से भी मेरा जो हेयर है ना वो गीला गीला है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहना। तो ये हम लोग का टिकट है, हम लोग ले लिए टिकट यहाँ से, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। चलो फिर मेरे ब्लॉग में बने रहना। एंड हम लोग का ये आगे वाला गाड़ी, उन लोग पीछे वाला गाड़ी, तो दो गाड़ी आए हैं तो जा रहे हैं हम लोग। एक टिकट आपका। फिर मिलते हैं। हाँ ले ले। हम लोग यहाँ पे ना खाने के लिए रुके हैं। रास्ते में पूरा जंगल था तो रास्ते भर हम लोग को होटल नहीं मिली, तो यहाँ पे हम लोग खाने के लिए रुके हैं होटल चमा में। तो अभी यहाँ पे टाइम हो चुकी है 12:30, तो अभी हम लोग को और 4 किलोमीटर बाकी है पहुँचने के लिए। तो हम लोग सोचे कि अच्छे से हम लोग खा लेते हैं कुछ, फिर जाके हम लोग वहाँ पे अच्छे से घूम पाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। रास्ते भर होटल नहीं मिला हम लोग को, तो एक ही होटल है याद रखना, तो कभी भी भूख लगेगी तो यहाँ पे रुक सकते हो। यहाँ से और 4 किलोमीटर बाकी है पहुँचने के लिए। चलो चलो मैं सबको वेलकम कर रही हूँ, चलो अंदर चलो। एक ही चेयर कर लेना, एक साथ सब बैठ।
पर विलेज में सच्ची में देसी चिकन खाने का मजा ही कुछ अलग है। हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड हम लोग ये देसी चिकन मंगाए हैं एंड राइस एंड ये पकोड़ा, चिकन पकोड़ा एंड दाल। अच्छा और भी आ रहा है, सलाद भी आ रही है। चलो मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं खाना खाने के बाद आप लोगों के साथ बात करती हूँ फिर। तो फ्रेंड हम लोग का खाना भी हो गया, बहुत ही टेस्टी था। और सच्ची में मतलब विलेज का जो खाना होता है ना उनका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। घर पे जैसे भी बनाओ मतलब उसका टेस्ट अलग होता है एंड विलेज का टेस्ट अलग ही होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, खाना हो गया तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली हम लोग टिकरपड़ा में पहुंच चुके हैं, ये है कार स्टैंड, यहाँ पे हम लोग कार पार्किंग किए। अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं यहाँ से चल के। तो यहाँ पे एक सामने भी एक ढाबा दिख रहा है होटल के जैसे, वहाँ पे भी एक है, वहाँ पे भी आप आके खा सकते हैं। तो हम लोग को नहीं पता था तो हम लोग वहाँ पे ही खा लिए, क्योंकि आगे मिलेगा कि नहीं ये सोच के हम लोग वहाँ पे ही खा लिए। तो मौसम तो विंटर का मौसम है पर गर्मी बहुत जोर से लग रही है, ज़्यादा जोर से मतलब तेज धूप है यहाँ पे, विंटर का मौसम जैसे फील नहीं हो रहा है। तो चलो फिर अंदर जाते हैं। यहाँ से हम लोग लेमन ले रहे हैं एंड ये जो है 10 रुपीस का, ये पूरा है 10 रुपीस का है। और आमला भी है, मम्मी आमला नहीं है ना? नहीं जाओ ना, आमला नहीं जा। हाँ नहीं जा, दे 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 दे। अच्छा हुआ रंजिता ये कैप लेके आई थी, इतनी गर्मी लग रही थी ओ ये कैप लाई थी। तो फिर मैं सोची कि मैं ही पहन लेती हूँ, उसके पास भी एक है एंड ये भी एक कैप पकड़ के जा रही है। तो चलते हैं। देखो यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही सुंदर व्यू है। पर गर्मी बहुत है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग समर में आए हैं, विंटर में नहीं आए हैं ऐसा फील हो रहा है। पर व्यू जो है बहुत ही मज़ेदार व्यू है। और पार्किंग से आप लोगों को थोड़ा सा चलना पड़ेगा, वहाँ से फिर चल चल के हम लोग आगे की तरफ फिर जा रहे हैं। चलो फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे मैं पहले बचपन में आई थी तो अभी बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ। तो काफ़ी कुछ चेंजेस लग रही है। पहले पार्किंग यहाँ पे थी, अभी पार्किंग वहाँ पे है। तो यहाँ पे पहले पिकनिक स्पॉट मतलब लोग आते थे पिकनिक करने के लिए यहाँ पे, पर अभी ये अलाउ नहीं है यहाँ पे पिकनिक करना। तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो चलो फिर चलते हैं, दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे फिर से टिकट करनी पड़ेगी। तो हम लोग का 9 जन का हम लोग टिकट कर रहे हैं, एक टिकट का प्राइस है 5 रुपीस ना, 5 रुपीस है एंट्री करने के लिए। नहीं बाहर कर दे। चलो फिर अंदर चलते हैं। ये ओनली फॉर चाइल्ड है, नहीं तो मैं चढ़ जाती इसके ऊपर। ये वीडियो कर रही है। पकड़ के जाओ। अरे पकड़ के चलो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चल 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 पैर को। हाँ ऐसे दो दो ये में, और ज्यादा भी नीचे नहीं।
चल चल के थक गए थे, तो यहाँ पे बीच बीच में रेस्ट करने के लिए जगह है, बैठने के लिए जगह है, तो यहाँ पे सबको ये बैठे थे। अभी हम लोग फिर जा रहे हैं आगे। शायद मेरी मम्मी नहीं जाने वाली है, मम्मी यहाँ पे बैठेगी क्योंकि वो नहीं चल सकती है, तो हम लोग जा रहे हैं चल के। चलो फिर चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे क्रोकोडाइल है, आप देख सकते हो यहाँ पे रखे हैं क्रोकोडाइल को, इसके अंदर काफ़ी सारे क्रोकोडाइल हैं। मैं अच्छे से दिखा भी नहीं सकती हूँ, हाँ देख सकते हो तो देख लो, यहाँ पे काफ़ी सारे क्रोकोडाइल हैं। और साइड में यहाँ पे रखे हैं इन लोग क्रोकोडाइल को। ये देखो ये भी एक क्रोकोडाइल है, वो छोटा क्रोकोडाइल था, ये साइड में बड़े सब दिख रहे हैं, बड़े क्रोकोडाइल। ये देखो कितने बड़े हैं, ये एक है यहाँ पे, शायद दो है वो साइड में, एक है वो साइड में। वो साइड में एक क्रोकोडाइल है एंड ये एक क्रोकोडाइल है, दो है बड़े क्रोकोडाइल। और यहाँ पे भी है क्या, हाँ यहाँ पे भी एक क्रोकोडाइल है, इनका सब नाम अलग अलग है शायद। यहाँ पे भी एक है, काफी सारे क्रोकोडाइल यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे भी है क्या? नहीं, पानी है। अच्छा, पीने के लिए। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है ना। कहाँ पे? अच्छा नीचे, हाँ। कितना सारे हैं? बड़ा वाला नहीं, हाँ यहाँ घुस किया है। अच्छा तो वहाँ पे भी हो गया ना टोर्टेस, छोटा वाला को निकाल के ले चलते हैं। ये देख रहा है टोर्टेस, ये देखो काठ पंच तेरा पीने से बोलते हैं। देखो सूरज खा रहे हैं जैसे, वाह रे। यहाँ पे भी टॉर्टेस है, यहाँ एक पेड़ के, हाँ पेड़ के पास एक है। अरे बाप रे, कितना बड़ा क्रोकोडाइल है ये, बहुत ही बड़ा है ये। इसका नाम क्या है? हाँ लिखा होता है ना नाम, कहाँ पे तो लिखा होगा इसका नाम, बहुत ही बड़ा है वो। क्या इसे कुछ बोलते हैं? क्या है? और ये देखो दो ठोए, किसका नाम मगर? दो क्रोकोडाइल का नाम मगर, ये बड़ा बड़ा क्रोकोडाइल है ना, इसका नाम मगर है, दो है ना बड़े बड़े। सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है ये यहाँ पे ना, इसको खाने को नहीं मिला है इसलिए वो मुंह खोल के बैठा है, वो शिकार ढूंढ रहा है शिकार। यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे 9 से 4 बजे तक खुला है बोटिंग, पर अभी जो यहाँ पे गेट बंद है, जो अंदर जा चुके हैं तो उन लोग जा चुके हैं पहले ही, पर अभी बंद है। वो कहाँ पे गया है, जो सिक्योरिटी यहाँ पे बैठता है वो गया है खाना खाने के लिए, उसका लंच का टाइमिंग है तो इसलिए वो बंद करके गया है। दिखते हम लोग, हो सकता है तो हम लोग भी बोटिंग करेंगे, दिखते है थोड़ी देर के बाद। लिट्टू कहाँ कहाँ? क्रोकोडाइल कैसा लगा? क्रोकोडाइल लेके जाना है घर? क्रोकोडाइल को लेके जाना है घर? लेके जाओ।
आप लोग देख सकते हो भीड़ जो है काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। एंड यहाँ पे स्कूल के बच्चे लोग काफी ज्यादा आए हैं। यहाँ पे आज संडे है इसलिए छुट्टी में हॉलीडे में उन लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बोटिंग के लिए वेटिंग किए हैं। वो गया है जो टिकट कट करता है वो लंच के लिए गया है। तो जब वो आएगा फिर हम लोग टिकट करेंगे, फिर हम लोग बोटिंग के लिए जाएंगे। तो फिर हम लोग वेट करते हैं, मेरे साथ बने रहना। ये फ़ोन से शूटिंग कर रही हूँ, मेरी फ़ोन में बहुत ही कम परसेंटेज चार्जिंग है और रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ थोड़ी देर के बाद, जब मैं बोटिंग के लिए जाऊँगी तभी मैं यूज़ करूँगी इसे। तो कितना परसेंटेज है, शायद मेरा 25% चार्जिंग है सिर्फ, वो भी दिखते दिखते चला जाएगा। चार्जिंग रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। मेरा जियो का नेटवर्क है तो जियो का नेटवर्क यहाँ पर पूरा जीरो है। एंड एयरटेल का भी नेटवर्क नहीं है, एयरटेल नेटवर्क भी पूरा जीरो है। शायद BSNL का नेटवर्क है, मैं पूछ रही थी यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चलती है, तो उन लोग बोले कि BSNL का नेटवर्क चलती है। ये पूरा जंगल के अंदर है जिसके वजह से यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। चलो नेटवर्क भी नहीं है एक तरफ से अच्छा है, नेटवर्क नहीं है तो अच्छा है, टेंशन भी नहीं है। किसी का कॉल होता है तो ज़्यादा टेंशन होती है, तो चलो ये भी एक अच्छी बात है नेटवर्क नहीं है। तो अभी मैं बोटिंग के लिए वेटिंग की हूँ, अभी तक वो गए हैं खाना खाने के लिए। तो हम लोग अभी चलो वेटिंग करते हैं। फिर वो टिकट वाला आ गया है तो हमारा टिकट भी हो गया है। चलो फिर चलते हैं बोटिंग की तरफ, चलो बोटिंग करते हैं। यहाँ पे एक ही बोट है क्या? चार पांच है, कहाँ है कुछ? अच्छा अच्छा, चार पांच बोट है पर अभी खाने के लिए गए हैं तीन चार। तो एक बोट आने वाले, आने के बाद हम लोग उसमें बैठने वाले हैं। यहाँ बैठो, यहाँ पे देखो सारा बोट यहाँ पे है पर उन लोग सब गए हैं खाना खाने के लिए। एक ही बोट अभी घूम रहा है ये टाइम पे ना। हाँ। रंजीता बता टिकर पड़ा के बारे में, मैं तो सारा कुछ भूल गई, बचपन में आई थी। टिकर पड़ा है फॉरेस्ट रिजर्व। हाँ। और यहाँ क्रोकोडाइल का कल्चर होता है और यहाँ पे पानी में करंट आती है ना, तो बोली थी मुझे। हाँ, ये बहुत डीप है, ये पानी जो है बहुत ज्यादा डीप है, इससे कोई भी मेजरमेंट नहीं कर पाए। हाँ, अभी तो कोई भी डीप है, बहुत ही ज्यादा डीप पानी है पर अभी पानी कम दिख रही है, पर आगे जाएंगे तो ज्यादा डीप होती है ना। हाँ, ये बहुत डीप है, बहुत ही ज्यादा डीप है, मेजर नहीं कर पाए हैं वो कितना फीट डीप है। हाँ, वो भी है। चल हम लोग यहाँ पे वेटिंग किए हैं बोट के लिए, मेरे साथ बने रहना। टिकट का कितना है चार्ज एक टिकट का बोटिंग का? एक बोट का कितना है? 1600 है। अरे बाप रे, 200। एक बोट में कितने जन जा सकते हैं? 8 जन ना। हाँ। 8 जन जा सकते हैं एक बोट में। वाह, कितना अच्छा व्यू है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा व्यू है। होता है ठीक है, चढ़ना मुश्किल होता है। अच्छा वो मम्मी नहीं आई, मम्मी नहीं चढ़ पाती। हाँ, नहीं चल पा रहे ना। अच्छा हम लोग का ये बोट है, वो बड़ा बड़ा बोट लोगे तो 4000 है, वो देख सकते हो जो बोट है वो 4000 का है। एंड ये छोटा वाला, इसमें हम लोग 8 जन जाने वाले हैं पर ये छोटा है जो कि हम लोग को कॉस्ट 1600 पड़ा। हम लोग बोट में बैठ चुके हैं, ये सेफ्टी जैकेट दे रहे हैं पहनने के लिए। रंजिता को सेफ्टी जैकेट नहीं मिली है, मुझे नहीं मिली। वो डर रही हो डूबेगी तो बड़े बड़े तो सबको डूबो। नहीं, वो किसी को डुबाए ना डुबाए पर मैं उसके साइड में बैठी हूँ तो मैं पहले डूबने वाली हूँ। डुबा डुबी नहीं, कर दिया हाथ में लग। छोड़ो, वो मेरे लिए नहीं है, छोड़ो। मैं ऐसे बहुत ही अच्छा व्यू है, मेरे साथ बने रहना आप लोग भी।
ये कौन सा बर्ड है? स्टीमर स्टीमर स्कीमर स्कीमर अच्छा स्क्रीमर अच्छा क्या नाम है इसका? इसका नाम है पाइनडुबी। पाइनडुबी पानी में डुबकी मारता है तो उसका नाम पाइनडुबी। अच्छा वो पानी में डुबकी मारता है इसका नाम है इसके लिए क्या? पाइनडुबी। पाइनडुबी पर वो क्रोकोडाइल दिख नहीं रही है इतनी दूर से तो बहुत ही हाँ बहुत दूर में है दिख नहीं रही है। ओ साइड में एक क्रोकोडाइल है पर वो यहाँ से नहीं दिख रही है। सो फ्रेंड अगर आप लोग फ्यूचर में ये खूबसूरत जगह विजिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आने के लिए आपको पहले अनगुल आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है या फिर कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है एंड ये अनगुल से 50 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। तो अनगुल आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुवनेश्वर और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अनगुल। फिर अनगुल से आप चाहे तो पर्सनल गाड़ी बुकिंग करके टिकरपड़ा विजिट कर सकते हो नहीं तो बस में भी आप लोग आ सकते हो। क्रोकोडाइल के चक्कर में मेरी फोन ना गिर जाए नीचे। क्रोकोडाइल के चक्कर में मुझे लग रहा है वो यहाँ से झपट ना ले। ये क्या है? टॉर्टोइस दिख नहीं रही है पर थोड़ा बहुत दिख रही है। लाइट है ना अच्छा आ रहा है लेकिन हाँ उसके ऊपर ही लाइट आ रहा है ना आँख में। चलो यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है एंड बीच में पानी है और जंगल है तो ऐसी जगह पे कहाँ नेटवर्क आएगी आप खुद बताओ। अच्छा हाँ पर दिख नहीं रही है अच्छे से मतलब मुझे दिख रही है कैमरा में नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है। फाइनली बोट से उतर गए हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए क्योंकि शाम होते जा रही है रात ज्यादा हो जाती है तो हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं लेते हैं बोट को तो इसीलिए हम लोग यहाँ से थोड़ा दूर गए फिर घूम के फिर उतर गए। यहाँ पे टिकर पड़ा जब भी आओगे ना मतलब यहाँ पे मतलब ये बोटिंग बिल्कुल भी मिस मत करना बहुत ही एंजॉय करोगे आप लोग भी बहुत ही अच्छा व्यू दिखने को मिलेगा आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बोट वाला को पूछ रही थी तो इन लोग मुझे बताया कि 4 बजे तक जो है बोटिंग खुला रहता है एंड जो पार्क है वो जो पार्क है वहाँ पे तो वो 6 बजे तक खुला रहता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर के तरफ पार्क के तरफ फिर दिखते हैं क्या करने वाले हैं तो मेरे ब्लॉग में बने रहना। ओहो इतने भी कुंभीर देखा जाओ नथले शीत दिन नहांती ना। ओहो हम लोग आ गए वहाँ से बोटिंग से ऊपर आए तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं एंड मम्मी मेरे पीछे है वहाँ पे बैठी है मम्मी तो यहाँ पे थोड़ा आके रेस्ट कर रहे हैं। पहले जब मैं बचपन में आई थी ना तभी काफ़ी ज़्यादा क्रोकोडाइल दिखने को मिलती थी तो अभी उन लोगों को पूछी अभी क्रोकोडाइल जो है वो कम हो गई क्या उन लोग बोले नहीं क्रोकोडाइल जो है वो कम नहीं हुई है वो समर में ज़्यादा दिखती है क्रोकोडाइल ऊपर आके बैठते हैं पर अभी विंटर है ना तो उन लोग छुप के रहते हैं तो क्रोकोडाइल जैसे पहले था वैसे अभी भी है कम नहीं हुई है
तो ऐसा है। चलो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ मैं भी यहाँ पे बैठ के। वो फ्लावर भी गाड़ी में रह गया क्या? वो जो फ्लावर लेके आए थे हम लोग? नहीं यहाँ पर। अच्छा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you. God bless you. Happy birthday to you. फोटो उठाने के लिए और एक बार खिला, डबल फायदा। लिटू तो पहले ही खड़ा हो गया वहां पे जाके। ओए लिटू, ओए लिटू, कहाँ केक लेके जा रहा है तू? कहाँ पे देखो इसे। ये क्या काम कर रहे थे? वाह कितना अच्छा सीनरी। बाप रे भैया फोटो उठाओ, अच्छा लग रहा है। पहाड़ आने दो मेरे में लग। खिला खिला खिला। खड़ी होके सो के हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ये क्रीम है, ठीक है? ये देखो क्रीम, इससे अच्छा क्रीम दुनिया में नहीं है। रंजित तेरे मुंह पे लगा। ये सारा चिड़िया हम लोग दिखे क्या? हाँ दिखे। इवनिंग का व्यू भी बहुत अच्छा है। ये क्या तुझे अच्छा लग रहा है सच्ची में? तो फाइनली फ्रेंड हम लोग यहाँ से अभी वापस जा रहे हैं। अभी कितने बज चुके हैं? 4 या फिर 5 दिख तो? 5 बज चुके हैं। तो रास्ता जो है अंधेरा होने वाला है, इसलिए हम लोग निकल गए यहाँ से, क्योंकि रंजीता जो है वो गाड़ी चलाने वाली है। रात के टाइम पे लाइट है क्या रास्ते में? पता नहीं, नहीं पता नहीं है कि नहीं। जंगल है, बहुत ही जंगल है ना, इसलिए हम लोग सोचे कि थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, थोड़ा जंगल हम लोग पार कर लेंगे, फिर जाके सही रहेगा। यहाँ पे कैंप है, यहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हो। अगर रात में स्टे करना रहेगा तो यहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हो, पर हम लोग नहीं स्टे करने वाले हैं, हम लोग वापस जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और गाड़ी बैक कर रही है मेरी फ्रेंड जो है। एंड आप लोग को अगर स्टे करना है तो यहाँ पे स्टे कर सकते हो, नहीं तो आप लोग जल्दी निकल जाना 5 बजे या फिर 5 बजे। आजकल विंटर है ना, अंधेरा जल्दी हो जाता है, 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी निकलने के लिए कोशिश करना अगर खुद ड्राइविंग वगैरह करके आ रहे हो, क्योंकि रास्ता जो है जंगल का रास्ता है, अंधेरा भी होता है, शायद लाइट वगैरह भी नहीं है शायद, इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकलने के लिए कोशिश करना यहाँ से। फिर बाय बाय टिकर पड़ा। तो 5:30 बजे कितना अंधेरा है? 5:30 हुआ है। हाँ 5:30 वही तो, कितना अंधेरा हो गया। अरे
गेट से ये साइड में पिकनिक कर सकते हैं ना। हाँ। गेट के उस साइड में नहीं, अलाउ नहीं है। यहाँ से पिकनिक करोगे फिर वहाँ पे जाओगे। एनएच के बीच में रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। मुझे तो काफी जोर से भूख लगी है। मैं तो कितने 12:30 को खाई थी ना, इसलिए अभी मुझे भूख लगी है। मैं सोच रहा हूँ कुछ खाऊंगी। देख रही हूँ यहाँ पे क्या है खाने को। ए रंजीता, तू कुछ खाएगी कि नहीं? आ जा। तो अभी मैं यहाँ पे ली ये आलू चप और ये बरा, ये मैं ली हूँ। अभी मुझे भूख लगी है बहुत तेज से, अभी मैं खाने वाली हूँ। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, आप लोगों को मालूम होगा। और मैं चाय नहीं पीती हूँ, सच्ची में नहीं पीती हूँ। मम्मी चाय पी रही है, मैं नहीं पीती। चल बाय। सो फ्रेंड, फाइनली मैं आके पहुंच गई हूँ घर पे। आने के टाइम पे हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए क्योंकि वहाँ से हम लोग 5:30 बजे निकले एंड यहाँ पे आके पहुंच गए हम लोग 7 बजे। जाने के टाइम पे 2 घंटे लगा एंड आने के टाइम पे 1 hour 30 minutes लगा हम लोग को पहुंचने के लिए। क्योंकि आने के टाइम पे हम लोग NH रोड पे आए, जाने के टाइम पे दूसरे रोड पे गए थे, तो इसलिए हम लोग जल्दी पहुंच गए एंड टायर्ड है। तो मैं अभी थोड़ा सा ग्रीन टी पीने वाली हूँ, फ्रेश होके ग्रीन टी पीने वाली हूँ। टायर्ड ऐसा फील हो रहा है कि अभी बेड पे गिरूंगी तो सो ही जाऊंगी, पर ऐसा कभी नहीं होता है मेरे साथ कि बेड पे जब मैं जाती हूँ तभी मुझे ऐसा मन होता है कि फ़ोन ही दिखूँ या फिर कुछ करूँ। बेड पे गिरने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं होता है सोने के लिए, फ़ोन दिखती हूँ फिर जाके नींद होती है। पर जब भी मैं बेड पे सोती हूँ तभी नींद नहीं आती है मुझे। ऐसा मेरा हमेशा, मेरे साथ ऐसा ही हमेशा होती है कि जब भी मैं बेड पे जाती हूँ तभी मुझे नींद नहीं आती है। क्योंकि मैं पहले मोबाइल वगैरह दिखती हूँ, कुछ दिखती हूँ, फिर जाके मोबाइल वगैरह दिखने के बाद 1 घंटा के बाद फिर जाके नींद आती है। जितने भी मैं टायर्ड हूँ पर मुझे बेड पे जाने के बाद नींद नहीं आती है। तो शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। आजकल सबके साथ ऐसा हो रहा है कि मोबाइल के बिना कोई भी नहीं सो पाते हैं। मोबाइल में कुछ ना कुछ दिखते रहते हैं। मैं तो ज़्यादातर यूट्यूब दिखती हूँ, नहीं तो रील्स वगैरह दिखती हूँ, फिर जाके मैं सोती हूँ, ऐसा होता है। तो काफ़ी दिनों के बाद बाहर जाके थोड़ा सा माइंड जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, अच्छा फील हुआ, माइंड जो है फ्रेश फील हुआ। कभी इसीलिए कभी कभी ना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जाना चाहिए, ट्रैवल में जाना चाहिए, घूमना चाहिए, ताकि आपकी माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए, अच्छा फील होगा आप लोगों को भी। तो अभी मैं जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, फिर जाके आप लोगों के साथ मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लेना, अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। चलो फिर बाय।